हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों, एंड वेलकम अगेन माय डियर डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर आशीष पटेल आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है DKT डॉक्टर आशीष पटेल, मींस डिजीज नॉलेज एंड ट्रीटमेंट। ठीक है ना, मैं इस बारे में आपसे बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूँकि आपको पता है मेरे चैनल पर मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसका नाम है A to Z डिजीज की सीरीज। मतलब हम शरीर में, हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की डिजीजेस होती हैं, उन सब के बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमारी सीरीज चल रही थी नोज, पिछली वीडियो मैंने नोज के बारे में, साइनसाइटिस जो होता है, नोज से रिलेटेड बीमारी है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। आज मैं आपको बताऊंगा, जो नाक में है तो बड़ी छोटी सी बीमारी, बट बहुत कष्टदायक है, बहुत प्रॉब्लम करती है, यदि आपके नाक में, नोज में, अंदर या बाहर कहीं पर भी यदि फोड़ा फुंसी हो जाए तो वो भी बहुत परेशान करती है आपको। इसलिए मैंने सोचा, एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, बट मैं इसको जरूर वीडियो बनाऊँ इस पर। तो आज हम बात करेंगे आपकी नाक में, अंदर या बाहर कहीं भी फोड़ा फुंसी यदि हो गए हैं, कारण कुछ भी हो, फोड़ा फुंसी ऑटोमेटिक हो गए हो, या आपने नाक के बाल को कभी रिमूव करने की कोशिश की हो, उसकी वजह से फोड़ा फुंसी हो गया हो, कारण कुछ भी हो, मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, सॉलिड ट्रीटमेंट बताऊंगा। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले जब भी आपकी नोज में बाहर या अंदर कहीं पर भी फोड़ा या फुंसी होगी, तो उसमें टेंडनिंग आ जाती है ना, टेंडरनेस हो जाता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है वो जगह, है ना, जिस जगह पे वो होता है, सूजन आ जाती है, प्लस अकड़ जाती है वो, मतलब बहुत ज़्यादा पेन करता है वो, है ना, वो जगह बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है, टेंडनिंग आ जाती है उसमें, मतलब खिंचाव, तनाव कह सकते हैं अपन, खिंचाव तनाव हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा पेन करती है। इवन आप उसको छुओगे, टच करोगे, तो भयंकर दर्द होता है। ठीक है ना। तो इसका मैं, इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, कारण तो कुछ भी हो सकते हैं इसके, इसके कारण कुछ ऐसे नहीं है कि आपको बताया जाए, है ना, या इसकी रोकथाम की जाए, वो तो ऑटोमेटिक होना है तो हो जाएगा। बस ये कि है, आपने बाल फटाया, यदि बाहर बाल को निकाला है, रिमूव किया है नाक के, तो कई बार उसकी वजह से हो जाता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, है ना, ट्रीटमेंट क्या देते हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले तो हमें एंटीबायोटिक देना पड़ेगी, कैप्सूल दे सकते हैं, अमोक्सिलिन, पोसे प्लेन अमोक्सिलिन की दे सकते हैं, पोटेशियम क्लेवोनिक एसिड ऐड कर सकते हैं 650 mg, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं रहता है ये, तो आप प्लेन 500 mg की जो अमोक्सिलिन के कैप्सूल होते हैं, उनको आप बीडी में 5 दिन के लिए सुबह शाम खा सकते हैं, खाना के बाद। ठीक है ना। और चूँकि स्वेलिंग होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके साथ आप एक टेबलेट ऐड कर सकते हैं, डायनापार, जिसमें डाइक्लोफेनिक प्लस पैरासिटामोल होता है, तो ये दर्द और स्वेलिंग को कम कर देगी। बस यही इसका छोटा सा ट्रीटमेंट है। इसमें कभी खुजली बहुत कम होती है, खुजली वैसे होती नहीं है इसमें, बस दर्द बहुत ज़्यादा होती है। और हाँ, एक बात का आप ध्यान रखेंगे, यदि फुंसी पकी नहीं है, मतलब उसमें से पस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आपको येलोइश या वाइटिश नहीं दिख रही है, स्टार्टिंग है, जगह अपनी वो बना रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसी समय ओडोक्सिल 500 mg की जो टेबलेट होती है, जिसमें सेफोडोक्सिम होता है, वो आप 3 से 4 दिन के लिए लेके देखिए, शायद वो बैठ जाए, वहीं के वहीं वो अपनी जगह ना बना पाए, वहीं के वहीं वो बैठ जाएगी, है ना। और बट कई बार नहीं बैठ पाती है, तो फिर जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होगा वो यही होगा कि आप अमोक्सिलिन 500 mg का जो कैप्सूल होता है, सुबह शाम बीडी में 5 दिन के लिए लीजिए, इसके साथ डायनापार यानी डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल की जो टेबलेट है, वो सुबह शाम बीडी में आप खाना के बाद लीजिए। इतने में बहुत आपको राहत आ जाएगी, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे चलने फिरने के लिए, है ना। चलने फिरने के लिए क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब इतना सीवियर दर्द होता है, उसमें है छोटी सी फोड़ा फुंसी होती है, बट उसमें सीवियर दर्द होता है, इंसान निकलना भी पसंद नहीं करता कहीं जरा सा, क्योंकि टच हो जाता है तो बहुत दुखती है ना, मैंने भी फेस की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यही सारा कुछ कर सकते हैं, छोटी सी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। सबसे पहले आप ओडोक्सिल 500 mg की टेबलेट खाइए सुबह शाम, है ना,
और इसके बाद यदि वो नहीं बैठती है अपनी जगह पे, तो फिर आप ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया उसको लीजिए। और साथ ही यदि उसमें से पफ फॉर्मेशन हो गया है, पस उसमें बन गई है, तो फिर आप उसको रिमूव जरूर से करें। इसके बाद एंटीबायोटिक वहाँ पे अच्छे से काम करेगी, है ना। तो जहाँ भी पस बन गई है उस फोड़ा फुंसी को आप दबा कर जैसा भी आपको सुटेबल लगे उस पस फॉर्मेशन को बाहर कीजिए। इसके बाद आप टेबलेट का यूज कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।